आपके साथ जुड़े हुए हैं कि आज जो बिग ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो हम आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। सिर्फ सिलीगुड़ी से 40 मामले जो है कोरोना के वो सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, भागलपुर इन सभी इलाकों से कुल मिलाकर के 51 मामले जो है वो देखे जा रहे हैं, जो कि खुद में एक बड़ी बात जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले जिस तरीके से इजाफे दिनों दिन हो रहे थे, वो बिग ब्रेकिंग जो है अभी की हम आपको यह बता रहे हैं कि सिलीगुड़ी से कुल मिलाकर के 40 मामले और इसके संलग्न इलाकों से, संलग्न जिलों से जो मामले कुल मिलाकर आ रहे हैं 51 कुल मामले जो है वो सामने देखे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो सिलीगुड़ी में कहां कहां पर ये मामले हैं, तो बागडोगरा से एक, उत्तर दिनाजपुर इस्लामपुर से, दार्जिलिंग के जागृति ग्राम से एक, दार्जिलिंग ईडन हॉस्पिटल से एक, जलपाईगुड़ी के रायगंज, जलपाईगुड़ी के भक्ति नगर इलाके से एक रिपोर्ट, इसके अलावा सिलीगुड़ी के सुभाषपल्ली से एक, थाना मोड़ से एक, आश्रमपाड़ा से दो, नेताजी नगर से एक, भानुनगर से एक, प्रधान नगर, पति कॉलोनी, विधान रोड और बागराकोट से एक एक रिपोर्ट जो है वो कोरोना के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 46 से 4, वार्ड नंबर 3 से 3 कोरोना संदिग्ध कोरोना रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, वार्ड नंबर 25 से 4, वार्ड नंबर 35 से 2, वार्ड नंबर 15 से 1, वार्ड नंबर 31 से 2, वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 6, देशबंधुपाड़ा, समर नगर से एक एक मामले सामने आ रहे हैं, जबकि चंपा साड़ी से 6 रिपोर्ट जो है कोरोना के सामने आ रहे हैं और शक्ति नगर इलाके से एक रिपोर्ट जो है वो कोरोना के सामने आ रहे हैं। और ये हम आपको बता रहे हैं कि सिलीगुड़ी में आज जो है कुल मिलाकर 40 कोरोना के मामले जो है वो सामने आए हैं। और इसके अलावा इसके संलग्न इलाकों की, अगर जिलों की बात करें, जलपाईगुड़ी की, दार्जिलिंग की और जो भागलपुर इलाका है वहां से भी कोरोना होने की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। कुल मिलाकर 51 मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और अब तक की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो जो हमारे रिपोर्टर संवाददाता बता रहे, जो सूत्र हमारे बता रहे, उसके अनुसार भी हम ये कह सकते हैं कि 19 लोग आज, राहत की खबर कि 19 लोग आज डिस्चार्ज होकर के घर गए हैं, ये हम आपको एक खबर दे रहे हैं। इसी के साथ अगर मौत की खबर बोले तो मौत की भी खबर है, हम आपको बता दें कि सोमवार, फिलहाल हम हाशमी चौक पर मौजूद है तो यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि रात के 9 बज रहे हैं। हम आपको बता दें कि सोमवार को भक्ति नगर इलाके के रविंद्र नगर इलाके से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इसी के अलावा उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के रीकू वार्ड में भी, इसके अलावा जो है उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रीकू वार्ड में 2 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। और इसमें से, इन दोनों में से जो है एक जन कटिहार के निवासी बताए जा रहे हैं और दूसरे जन जो है वो भक्ति नगर के मजदूरपाड़ा इलाके के रहने वाले जो है वो बताए जा रहे हैं। कुल 3 मामले जो है आज मौत के सामने आ रहे हैं और कुल मिलाकर के सिलीगुड़ी में 40 मामले और इसके संलग्न इलाके और जो है वहां पर मिला करके 51 मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। हम आपको एक बार बता दें कि आज की अगर रिपोर्ट्स की बात करें बीते 24 घंटे में, तो बीते 24 घंटे में दार्जिलिंग में 603 मामले हैं, 530 ठीक हो गए हैं, 10 की मौत हुई है, 163 एक्टिव मामले, कालिंपोंग में 56 कुल मामले, 51 ठीक, 1 की मौत, 4 सक्रिय, जलपाईगुड़ी में 396 कुल मामले, 321 अभी जो है ठीक होकर के घर जा चुके हैं, 2 की मौत और 73 एक्टिव मामले जो है। मालदा की बात करें तो 817 कुल मामले, 506 ठीक होकर के घर जा चुके हैं, 4 की मौत और 307 सक्रिय मामले, अलीपुरद्वार में 188 कुल मामले, 178 ठीक, 0 मौत और 10 लोगों की सक्रिय मामले चल रहे हैं, उत्तर दिनाजपुर में 337 कुल मामले, 276 लोग ठीक होकर के जा चुके, 1 की मौत और 60 सक्रिय मामले चल रहे हैं, कुचबिहार में 305 कुल मामले, 304 लोग ठीक हो गए हैं, कोई मौत की खबर नहीं है और 1 जो है वो सक्रिय मामला वो चल रहा है। और अगर हम बीते 24 घंटे में बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में 123 मामले चल रहे हैं, 62 एक्टिव केस और 61 लोग ठीक होकर के जा चुके हैं। ये हम आपको बता रहे थे सिलीगुड़ी की अपडेट।
सिलीगुड़ी के हाशमी चौक से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, एसके लाइव।